हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम किन किन बातों को लेकर संतुष्ट नहीं है। यानी कि जहां एक तरफ EPS 95 पेंशन धारकों के नई नई खुशखबरियां मिल रही हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम वहीं पर कुछ बातों को लेकर संतुष्ट नहीं है। एक तरफ EPFO के माध्यम से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए नए नए सर्कुलर रोज के रोज जारी किए जा रहे हैं, जहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है, यानी कि समय अवधि को पढ़ाया जा रहा है। विकल्प फॉर्म भरने में काफी ज्यादा सहूलियत, कैंप लगवाने तक की व्यवस्थाएं होने वाली हैं सुनने में है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम किन बातों को लेके ज्यादा जोर दे रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कहां पे जो तो आसान रास्ता नहीं है, किन रास्ता पे EPS 95 पेंशन धारक चलने में असमर्थ होंगे, वहां की बातें करें। आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार करते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम संतुष्ट क्यों नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को यह चीज का काफी ज्यादा डर है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर EPS 95 पेंशन धारक लाभ के दायरे में आ रहे हैं तो उनको लाभ के दायरे में लाना ही लाना है, और साथ ही साथ में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इतना आसान सा रास्ता बनाना है ताकि सभी EPS 95 पेंशन धारक अपने पेंशन को प्राप्त कर सके। यानी कि हायर पेंशन की जो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से वो उस वहां तक पहुंच सके ताकि उनको हेल्थ पेंशन की राशि मिलने लगे। आइए हम लोग जानते हैं, टोटल 6 टॉपिकों को मैंने कवर किया है। हालांकि इन 6 टॉपिकों के बारे में मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो पहले नंबर पे है, सभी को लाभ, यानी कि ऐसे भी पेंशन धारक जो जिनको किसी भी माध्यम से अगर लाभ नहीं मिल पा रहा था तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था बना के जो तो EPFO के साथ में रिक्वेस्ट कर, EPFO के पॉलिसी के साथ में समझौता कर उनको भी लाभ के दायरे में ला दिए हैं। EPS 95 पेंशन धारकों को चाहे वो उन्होंने किसी भी कोई भी माध्यम करके वो लेके आए हैं। दूसरे नंबर पे है, EPFO के बर्ताव पे जो तो काफ़ी ज़्यादा बात हुआ है कि जिस प्रकार से EPFO के माध्यम से चाहे वो उनके लिंक नो ओपन, जैसे कि लिंक कभी कभी ओपन नहीं होता है तो लिंक ओपन जो तो और भी भारी सहायता कैंप लगवाने से संबंधित, इन बातों पे विशेष जोर दिया गया है कि EPS 95 पेंशन धारक जो तो जल्द से जल्द इस पे जो तो अमल कर, EPFO इस पे अमल कर EPS 95 पेंशन धारकों के सुचारू व्यवस्था मुहैया कराए। जो ऑप्शन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा कठिनाई के साथ में भरा जाता था, बहुत कुछ जो उसमें था जो आप लोगों को समझ में नहीं आता था, उसे थोड़ा सा और आसान बनाया जाए ताकि सभी EPS 95 पेंशन धारक उसमें अपने विकल्प फॉर्म को सबमिट कर सकें। कैंप लगाने की व्यवस्था, यानी कि जिनको पढ़ने में समझ में नहीं आता है, जिनको बाहर का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि किसी कैफे में जाके उनको भरवाना पड़ेगा, तो इसके लिए वो कैंप लगवाने की बात करें, उसके लिए जो भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा EPFO को, वो EPS 95 पेंशन धारकों से शुल्क चार्ज कर लें, लेकिन EPFO के ही आदमी जो EPFO के कर्मचारीगण हैं उनके माध्यम से कैंप की व्यवस्था की जाए ताकि EPS 95 पेंशन धारकों को आसानी के साथ में फॉर्म को सबमिट किया जा सके और जो तो उनका एक विश्वास रहे कि भाई सही जगह पर फॉर्म को सबमिट किया जा रहा है। और 5वां नंबर, जिनके पास में PPO नंबर नहीं है उन्हें UN नंबर से उनके फॉर्म को सबमिट कर लिया जाए ताकि EPS 95 पेंशन धारकों की समस्या थोड़ा सा आसान हो सके और सभी EPS 95 पेंशन धारक लाभ के दायरे में आ जाए। और 6ठा नंबर पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो मृत कर्मचारी EPS 95 पेंशन धारक थे उनके भी परिवारजनों को हायर पेंशन के राशि या हायर पेंशन के पात्र के लिए जो तो उनको भी चुना जाए, उनको भी उच्च पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। खैर दोस्तों, आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ में अपने महत्वपूर्ण राय को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके राय के अनुसार से ही हम वीडियो बनाते हैं। नमस्कार, जय जय भारत।